हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं जो बहुत ही चर्चा में है। तो प्रश्न संख्या है 57। तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के लिए बाह्य ऋण का विशिष्ट स्रोत नहीं है? तो इसमें जो पूछा गया है कि जो कोई भी देश ऋण लेता है तो उसका स्रोत जो है नहीं है। तो इसके चार ऑप्शन, ए है घरेलू बैंक, बी है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, सी है विदेशी सरकारें, डी है देश के बाहर निजी निवेश। तो ये चारों में जो सही जवाब है वो है घरेलू बैंक। घरेलू बैंक के जो है वो बाह्य ऋण का विशेष स्रोत नहीं है, क्योंकि हम जो बाहर से ऋण लेते हैं वो तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक या विदेशी सरकारें, इन्हीं से हम अंतर्राष्ट्रीय ऋण बाह्य ऋण ले सकते हैं। तो ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि अभी वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत का कुल विदेशी ऋण लगभग 1% से बढ़कर जो है ये 624 बिलियन डॉलर हो गया है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में हो गया। अभी जो है जो भारत का विदेशी ऋण है वो 624 बिलियन डॉलर, 1% से बढ़कर 624 बिलियन डॉलर हो गया है। अगस्त जो है 2023 तक भारत का वर्तमान जो है विदेशी मुद्रा भंडार लमसम जो है 594.86 बिलियन डॉलर है। तो इसलिए जो है बताया गया है कि जो विदेशी ऋण भारत के पास है उसका सिर्फ 93% ही जो है ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, और जबकि सरकारों की सही स्थिति तब मानी जाती है जब ये जो जितना है इसका 40% जो ये पैसा है इसका 40% ही ऋण होना चाहिए, तभी एक अच्छी स्थिति में सरकारें मानी जाती हैं। तो इसलिए इस समय ये जो रिपोर्ट जारी हुई है इससे पता चलता है कि जो हमारी सरकार है उस पर कितना ऋण और कितना जो है हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है। तो इसलिए ये टॉपिक चर्चा में रहता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।